पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने एक बड़ी जानकारी शिक्षा मित्रों को दी है। विधान परिषद और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में ये जानकारी शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी जानकारी ही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना है कि कल मेरी मुलाकात आदरणीय निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव से हुई। प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया और माध्यमिक कार्यालय में 1 बजे के आसपास उनके द्वारा समय दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि प्रक्रिया गतिमान है और हम लोग भी प्रयासरत हैं। सरकार के प्रतिनिधियों से भी वार्ता चल रही है। आप सबकी जानकारी में प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्ता में मेरे साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा भी उपस्थित रहे, जिनकी पैरवी ने इस प्रस्ताव को सरकार तक भेजने में और मदद की है और सब कुछ अच्छा हो जाए ये पूरा प्रयास चल रहा है। साथ ही सुकुमार शुक्ला ने यह भी कहा कि मैं अब अपील करूंगा कि फर्जी अफवाहों और गुमराह करने वाले चैनलों से बचकर रहें। तो आप लोग जो भी फर्जी अफवाहें और गुमराह करने वाले चैनलों को देखते हैं, वो सभी लोग अब एनएस नाउ को देखें, क्योंकि एनएस नाउ पर आपको हमारी टीम पुष्टि करती है हर खबरों की सत्यता की। खबरों की जाँचते हैं, परखते हैं और उसके बाद आपके सामने खबरों को परोसते हैं। तो इसलिए अगर आप एनएस नाउ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ताज़ा तरीन सच्ची प्रमाणिक ने सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आगे शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि संगठन के ऊपर भरोसा रखिए, कार्यालय खुलने के बाद से लगातार हमारे साथी काम कर रहे हैं। सुशील यादव प्रदेश महामंत्री अरविंद वर्मा जी के साथ लगातार अधिकारियों से मिलने मिलाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं भी कल मुलाकात किया, संपूर्ण जानकारी प्राप्त, शीघ्र ही हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं शिव कुमार शुक्ला। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम सब की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। आगे शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि मैं मानता हूं कि पिछले 6-7 सालों में हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, इसलिए तमाम साथियों को बहुत समस्या है। लेकिन ध्यान रखना है कि घने कोहरे में जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो भरोसा नहीं होता, लेकिन जब सूर्य निकलता है और चमकता है तो निश्चित रूप से लगता है कि हम उजाले में हैं। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा मित्रों का जीवन अंधकार से पूरी तरह उजाले की तरफ बढ़ गया था और धीरे धीरे हम लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, हम सब जरूर सफल होंगे। हमारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, जो पूरे मन से लड़ा है वह जीता जरूर है। शिव कुमार शुक्ला ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि संगठन और एकता में शक्ति है, वह निश्चित रूप से इस बार शिक्षा मित्रों ने दिखाया है। हमारे तमाम संगठन के साथी जो शिक्षा मित्र हित के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन सबको एकजुट होकर संघर्ष करना है, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। उन तमाम अपने प्रतिनिधि साथियों से अनुरोध है कि वह संयम साहस को बनाए रहें और एकता पर बल जरूर रखें। कल से पुनः सक्रियता के साथ हमारी टीम सुशील जी व तेजभान जी लखनऊ में अपने साथियों के साथ मिलने मिलाने का क्रम जारी रखेंगे। आपका शिव कुमार शुक्ला। तो इससे पूरी जो उन्होंने पोस्ट की है अपने फेसबुक, इसमें उन्होंने कई बड़ी जानकारियां दी हैं। पहली बड़ी जानकारी उन्होंने ये दी है कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और आगे शिक्षा मित्रों के लिए हित के लिए बात कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी ये दी कि उन्होंने खुद कल विधानसभा सत्र से पहले बात की है बेसिक शिक्षा के जो निदेशक हैं डॉक्टर महेंद्र देव से। इसके साथ ही जो शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री है, उन्होंने भी कई मंत्रियों से मुलाकात की है। कुल मिलाकर ये जो शिक्षा मित्रों के लिए खबर है ये काफ़ी सुकून भरी खबर है, क्योंकि अब शिक्षा मित्रों को भी लगने लगा है कि शायद उनका समय आ रहा है, समय बदलने वाला है। इस खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनएस नाउ पर नए हैं तो ताज़ा तरीन सच्ची प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।